पिछले क्लास में हम लोग हम लोगों ने एक्चुअली बाइनरी जो ट्री है आपका, बाइनरी सर्च ट्री, उसमें इंसर्शन एंड डिलीशन कैसे करते हैं ये डिस्कस किया था। तो आज मैं आपको एक्चुअली जो मेरा वो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम ये फाइंड आउट करेंगे या कंप्यूट करेंगे कि ऑन एवरेज सर्च करने में बाइनरी ट्री में आपको कितना टाइम लगता है। वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें मालूम करना है। तो उसके लिए हमें पाथ लेंथ और पाथ उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं, तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा। सो लेट्स सी आज हम टुडे आज हम कितना कंप्लीट कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको डेफिनेशंस देना चाहता हूँ। सो पहली डेफिनेशन है आपकी पाथ। आपने ग्राफ थ्योरी आई हो पढ़ा होगा, तो पाथ की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। वहाँ आपने प्योर मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो आज मैं एक थोड़ी सी इनफॉर्मल डेफिनेशन जस्ट दे करके ख़त्म करूँगा, एंड आगे के और भी डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। सो पाथ क्या है? पाथ इज ए पाथ इज ए सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस एजेज विदाउट रिपीटेशन। ठीक है। सो ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ एजेज है जिसमें आपको एज को रिपीट नहीं करना है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक के पास आपके पास एक ग्राफ है या ट्री है, तो हम चूँकि हम ट्री पढ़ रहे हैं, तो अब ट्री का ही काम डेफिनेशंस लेके चलेंगे। सो सपोज यू हैव ए नोड ए हियर, देन यू हैव ए नोड बी, देन यू हैव सी, हियर यू हैव डी, एंड लेट्स से ई इज देयर, देन एफ, देन जी, देन एच। सो अगर आप इस ट्री में पाथ निकालना चाहें, तो आप पाथ में एक पाथ किसी भी नोड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दैट विल बी कॉल्ड स्टार्टिंग वर्टेक्स और स्टार्टिंग नोड। तो इस केस में ए इज द स्टार्टिंग नोड, वन मिनट। तो ए बी दिस इज एन एज। ओके, एज क्या क्या होता है? दो एडजेसेंट वर्टाइसेस को कनेक्ट करती है। सो ए इज द, यू कैन से, स्टार्टिंग वर्टेक्स, बी इज द एंड वर्टेक्स, एंड देन बी टू सी। सो दिस इज अ पाथ। आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूअस सीक्वेंस हो गया एजेस का। पाथ की लेंथ कितनी है इसमें? एजेस को काउंट कर लेना है, टू। ओके, सिमिलरली यू हैव ए पाथ, अनदर पाथ ए ई, देन जी, देन एच। दिस इज ऑल्सो ए पाथ। ओके, नाउ इफ सपोज दैट यू राइट लाइक दैट, ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू बी। क्योंकि ये एज डायरेक्टेड नहीं है, सो बी टू सी, सी टू बी, बोथ आर सेम एजेस। सो दिस इज अ रिपीटेशन, सो दिस इज नॉट ए पाथ। सो पाथ का मतलब क्या है? कि आपकी कोई भी एज जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, सो नाउ हम डिफाइन करने जा रहे हैं, एक और डेफिनेशन दे देने जा रहे हैं, दैट इज पाथ लेंथ। नाम से ही समझ में आ रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द पाथ। सो पाथ लेंथ क्या है? सो पाथ लेंथ हम बाइनरी ट्री के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं। इट इज द सम ऑफ डेप्थ ऑफ ए पाथ लेंथ। ओके, सो पाथ लेंथ जो है किस केस में, किस रेफरेंस में? ट्री के बारे में बात कर रहे हैं हम, पाथ लेंथ ऑफ ए ट्री।
ठीक है, ये वाले पाथ की लेंथ का नहीं, मतलब ये जो मैंने कहा कि ये पाथ की लेंथ 2 है, ये डेफिनेशन नहीं दे रहे, हम बात कर रहे हैं पाथ लेंथ ऑफ ए ट्री। सो लेट्स सी पाथ लेंथ ऑफ ए ट्री क्या है। द पाथ लेंथ, सो स्पेशली हमारा जो ट्री है वो बाइनरी ट्री है, ठीक है, तो पाथ लेंथ, सॉरी पाथ लेंथ इन बाइनरी ट्री, तो ये क्या है, इज द सम ऑफ डेप्थ्स ओवर ऑल नोड्स। ठीक है, सो पाथ लेंथ क्या है, हर नोड की जो डेप्थ है उसका सम अगर आप निकाल लें, और या आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि एक जो भी नोड है हमारे उनके रूट से उस नोड तक पहुंचने में जो लेंथ लगती है उस लेंथ को हम उस नोड की डेप्थ मान सकते हैं, एंड देन इन सब के डेप्थ का जब सम करेंगे तो हमारे ट्री की पाथ लेंथ बनेगी। ओके, सो जैसे डी की डेप्थ क्या है, 1 2, सी की डेप्थ क्या है, 1 2, दो एजेज है ना यहाँ से रूट तक पहुंचने में, एप की लेंथ क्या है, 1 2, जी की जो है डेप्थ क्या है, 1 2, ई की डेप्थ 1, एच की डेप्थ 1 2 3, है ना, समझ गए होंगे आप, दिस इज डेप्थ। तो पाथ लेंथ क्या है, किसी भी पाथ ट्री के लिए पाथ लेंथ क्या का मतलब क्या है, कि पाथ लेंथ मतलब है कि उसकी जितनी भी वर्टाइसेस हैं उनकी डेप्थ को आप सम कर लीजिए, ठीक है, सो दैट विल कंस्टिट्यूट द पाथ लेंथ ऑफ ए ट्री। नाउ पाथ लेंथ जो है एक्चुअली आपको याद होगा हमने एक टू ट्री डिफाइन किया था, तो हम टू ट्री के रेस्पेक्ट में आप पाथ लेंथ को कंसिडर कर रहे हैं। सो टू ट्री में आपको याद होगा कि हमारे पास दो तरीके के नोड हुआ करते थे, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। टू ट्री में तो एक्चुअली आपके दो पॉसिबल दो टाइप के नोड हो सकते हैं, एक नोड विद 0 वर्टेक्स और नोड विद 1 वर्टेक्स और नोड विद 2 वर्टेक्स। सो दिस इज द लीफ नोड एंड ऑल दीज नोड्स आर कॉल्ड इंटरनल। सो दो तरह के नोड हैं आपके, ओके, इंटरनल नोड एंड एक्सटर्नल नोड, ओके। लेकिन आपको याद होगा कि एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो जो हमारा टू ट्री था, सपोज दिस इज ए टू ट्री, एंड टू ट्री में जो भी लीव्स हैं हम उनके साथ रेक्टेंगुलर नोड्स ऐड कर देते हैं। जैसे इसके पास भी दो नोड होना चाहिए थे, हमने यहाँ दो नोड ऐड कर दिया, यहाँ दो नोड होना चाहिए थे, यहाँ भी हमने दो नोड ऐड कर दिया। ओके, सो ये जो नोड्स हैं ये आपके लीफ नोड हो गए 0 वाले, एंड इनको हम एक्सटेंड दिस ट्री इज कॉल्ड एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, एंड दिस नोड्स आर एक्चुअली वर्चुअल नोड्स, और यू कैन से दैट दीज आर द एक्सटर्नल नोड्स। तो हमारे जो है ना दो तरीके के नोड्स इसमें हो गए ट्री में, एक्सटर्नल नोड्स एंड इंटरनल नोड्स। ओके, तो जब भी आपको एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री दिया होगा तो आप देख करके ही बता देंगे कि कौन सा नोड इंटरनल है कौन सा एक्सटर्नल है। ओके, तो अब यहाँ पर एक्सटेंडेड नोड को रेक्टेंगुलर से सॉरी एक्सटर्नल नोड को रेक्टेंगुलर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर शेप से, एंड इंटरनल नोड को सर्कुलर से। ओके, नाउ ये ध्यान रखना है आपको, दीज नोड्स आर वर्चुअल नोड्स। अब आपको याद होगा BST के केस में, बाइनरी सर्च ट्री में अभी हमने इन नोड्स के बारे में बात की थी, और बाइनरी सर्च ट्री के केस में ये नोड जो है आपके जो है अनसक्सेसफुल सर्च को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स आप ये जो नोड्स हैं ये उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पर आपकी एक अनसक्सेसफुल सर्च एंड हो सकती है, आइदर वन सर्च विल एंड हियर और हियर और हियर और एनी और एट एनी नोड फ्रॉम दीज नोड्स। ओके, तो जितने भी अनसक्सेसफुल सर्च हैं वो उनके जो एंड पॉइंट्स आप कह सकते हैं, जो टर्मिनेटिंग पॉइंट्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज एक्सटर्नल नोड्स।
तो अब आपके चूंकि ट्री में दो तरीके के नोड्स हैं, तो हम दो तरीके की पाथ लेंथ डिफाइन करते हैं, इंटरनल पाथ लेंथ एंड एक्सटर्नल पाथ लेंथ। सो नाउ वी डिफाइन टू टाइप ऑफ पाथ लेंथ्स, वन इज इंटरनल पाथ लेंथ सो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, पाथ लेंथ की हम डेफिनेशन देख चुके हैं क्या होती है, और इंटरनल का मतलब हो गया हम इंटरनल नोड की बात कर रहे हैं। तो इंटरनल पाथ लेंथ क्या होती है, इट इज़ द सम ऑफ डेप्थ्स ऑफ ऑल द इंटरनल नोड्स। सो इंटरनल पाथ लेंथ, मैं इसको रिपीट करके नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, इंटरनल पाथ लेंथ इज द सम ऑफ द डेप्थ डेप्थ ऑफ ऑल द इंटरनल नोड्स। ठीक है, सो यहाँ पर हम जो हमारा बाय डिफॉल्ट ट्री कौन सा है, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, उसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर इंटरनल पाथ लेंथ। नाउ देयर इज अनदर लेंथ दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल पाथ लेंथ, एक्सटर्नल पाथ लेंथ। ओके, सो एक्सटर्नल पाथ लेंथ जैसा कि आपने इंटरनल में देखा था, तो उसी तरीके से हम एक्सटर्नल पाथ लेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं। सो इट इज द सम ऑफ द पाथ लेंथ, सॉरी डेप्थ, सम ऑफ द सॉरी डेप्थ ऑफ ऑल द एक्सटर्नल नोड्स। ओके, सो दिस इज एक्सटर्नल पाथ लेंथ। नाउ सपोज दैट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ये तो डिलीट करना पड़ेगा। सो लेट्स टेक ए ट्री, यहीं पर ड्रॉ करते हैं। सपोज यू हैव ए ट्री लाइक दैट, दिस इज ए टू ट्री, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम 0, 1 और 2, इनमें से तीनों में से कोई नोड्स हैं। आइदर ए नोड हैव 0 चाइल्ड और 1 चाइल्ड और 2 चाइल्ड। ओके, नाउ अभी ये हमारा एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री नहीं है, सो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्सटर्नल नोड्स ऐड करेंगे। तो आपको एक्सटर्नल नोड में क्या करना है, एक एक लीफ ऐड करना है रेक्टेंगुलर नोड के फॉर्म में जहाँ पॉसिबल है। तो इस केस में सी के कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो लेफ्ट और चाइल्ड राइट चाइल्ड ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो एक्सटेंडेड जो नोड्स हैं वो ऐड कर देंगे। डी के केस में डी हैव राइट चाइल्ड बट डजेंट हैव लेफ्ट चाइल्ड, तो हम एक लेफ्ट चाइल्ड के तौर पर एक एक्सटर्नल नोड ऐड कर देंगे। एफ के केस में एंड ई के केस में 2 चाइल्ड और ऐड होंगे, ई को तो हम भूल ही गए थे। ओके, सो ये बन गया आपका एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। नाउ लेट्स सी इंटरनल पाथ लेंथ क्या है यहाँ पर और एक्सटर्नल पाथ लेंथ क्या है। तो इंटरनल पाथ लेंथ के लिए हमें पहले इनके डेप्थ निकालना पड़ेंगे, कौन से नोड्स की, इंटरनल नोड्स की। तो आपके पास इंटरनल नोड्स जो हैं वो कौन कौन है,
इधर हम एक तरफ डेप्थ लिखते जाएंगे। सो इंटरनल नोड पहला है ए, तो ना वो डिपेंड करता है कि हम नोट्स की डेप्थ कैसे काउंट कर रहे हैं। कुछ लोग जो ना रूट नोड को वन डेप्थ मान लेते हैं, वो एक्चुअली वर्टाइसेस काउंट करते हैं। तो हम यहाँ पर एजेस को चूंकि काउंट कर रहे हैं, तो ए की डेप्थ कितनी होगी? जीरो, है ना, कोई भी एज नहीं है। देन बी, बी की डेप्थ कितनी होगी? अप टू रूट, क्योंकि आपको अप टू रूट जाना पड़ता है डेप्थ निकालने के लिए। बी की डेप्थ कितनी है? एक एज है, एक एज है, तो डेप्थ ऑफ बी वन, डेप्थ ऑफ सी टू, है ना, डी टू, ई की डेप्थ वन टू थ्री, तीन एजेस हैं, तो ई की डेप्थ हो गई थ्री, और एफ की डेप्थ वन। ओके, तो नाउ इंटरनल नोड्स के इंडिविजुअली आपने जो है डेप्थ निकाल ली है, तो अब इंटरनल पाथ लेंथ अगर आपको निकालना है तो क्या होगी? हेंस इंटरनल पाथ लेंथ लेट्स सी से के हम हिस्ट्री को टी से रेफर कर रहे हैं। द इंटरनल पाथ लेंथ ऑफ टी इज इक्वल टू, इन सबको जोड़ लीजिए, 0 + 1 + 2 + 2 + 3 + 1। ओके, सो 3, 1, 4, 6, 8, 9, सो दिस इज द इंटरनल पाथ लेंथ ऑफ दिस ट्री, 9। ओके, 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 सो नाउ लेट्स कंप्यूट एक्सटर्नल पाथ लेंथ। तो एक्सटर्नल पाथ लेंथ कंप्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले एक्सटर्नल नोड्स हमारे कौन कौन से, हम इनको आइडेंटिफाई नहीं किया हमने किसी से, तो हम चा आप चाहें तो आइडेंटिफाई इनको भी आइडेंटिफायर असाइन कर सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो इनकी पाथ लेंथ हम निकाल लें। सो एक काम करते हैं, इनको नंबरिंग कर देते हैं हम। लेट्स से एक्सटर्नल नोड को E1, E1 से ऐसे रेफर कर देते हैं, E1, ये हो गया आपका E2, E3, E4, E5, E6, E7। ओके, ये नंबरिंग मैंने ऐसे ही कर दी है सो दैट हम इनको नोट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ, रेफर कर पाएँ। तो एक काम करते हैं, हम इनकी भी डेप्थ निकाल लेते हैं। तो एक तरफ लिखते हैं एक्सटर्नल नोड, एंड इधर उसकी डेप्थ। तो सबसे पहले एक्सटर्नल नोड E1 पर आ जाते हैं। तो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ E1? अप टू रूट निकालना होता है, तो 1, 2, 3, थ्री एजेस हैं, तो E1 की डेप्थ कितनी हो गई? 3। E2 की डेप्थ कितनी हो गई? 1, 2, 3। सो E2 ऑल्सो हैज डेप्थ 3। व्हाट अबाउट E3? 1, 2, 3। E3 की डेप्थ है 3। E4 की डेप्थ है, आई होप आई गेस एक ज़्यादा है, 1, 2, 3, 4। तो E4 और E5 दोनों की डेप्थ जो है 4, 4 है ना। एंड E6 और E7 दोनों की सेम है, तो कितनी हो गई? 2, 2। E6 एंड E7 बोथ हैव डेप्थ 2। तो आप इसका सम कर लीजिए, ये जो वैल्यूज हैं सबको जोड़ लीजिए, 9 और 8 17 और 4 21। तो जो एक्सटर्नल पाथ लेंथ है, जनरली हम इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं ट्री के लिए। सो एक्सटर्नल पाथ लेंथ ऑफ ट्री टी इज 21, एंड इंटरनल पाथ लेंथ को हम डिनोट करते हैं इस कैपिटल आई से,
सो दैट कैपिटल आई इज 9. ओके, सो इंटरनल पाथ लेंथ 9 है और एक्सटर्नल पाथ लेंथ 3 है. ना वो क्वेश्चन आ रहा है जो था, क्या इंटरनल पाथ लेंथ और एक्सटर्नल पाथ लेंथ में कुछ जो है कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है? दोनों में रिलेशन होगा कुछ, ओबियसली होगा. तो नाउ एक्चुअली आई वांट टू गिव टू प्रीमाइस, और यू कैन से लेमा और थ्योरम, टू फैक्ट्स एक्चुअली अबाउट, आई वांट टू रिपोर्ट अबाउट दिस, दिस इंटरनल नोड्स एंड एक्सटर्नल नोड्स, कनेक्शन बिटवीन इंटरनल नोड एंड एक्सटर्नल नोड्स, एंड द इंटरनल पाथ लेंथ एंड एक्सटर्नल पाथ लेंथ. तो एक चीज़ अगर आपने यहाँ देखी हो, तो इंटरनल नोड्स कितने हैं आपके? 6. एंड एक्सटर्नल नोड को अगर आप नोटिस करें तो वो कितने हैं? 7. तो क्या ये फैक्ट हमेशा काम करेगा कि इंटरनल नोड्स की काउंट एक्सटर्नल नोड से एक कम रहेगी, या ये कहिए नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड्स इज वन मोर देन द इंटरनल नोड? तो ये एक फैक्ट है, अगर इंटरनल नोड की काउंट एन आई है सपोज, एन आई, कैपिटल आई इज द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स, एंड एन ई इज द नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड्स, देन एन ई इक्वल एन आई प्लस वन. सो ये एक प्रीमाइस है, आपको प्रूव करना है. ओके, फॉर एन एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री विद एन आई इंटरनल नोड्स एंड एन ई एक्सटर्नल नोड्स, वी हैव एन ई इक्वल्स एन आई प्लस वन. सो इसको आपको प्रूव करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको इंडक्शन मेथड से प्रूव करना है. और ठीक है, इसके लिए इंडक्शन मेथड से आप प्रूव कर सकते हो. एक एक दूसरा स्टेटमेंट है जिसे मैं प्रूव अप करके दिखाऊंगा, दैट इज फॉर एन एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री विद एन इंटरनल नोड्स, नोड्स ई इक्वल टू आई प्लस 2n, वेयर कैपिटल ई इज द एक्सटर्नल पाथ लेंथ, एंड कैपिटल आई इज द, सॉरी, इंटरनल पाथ लेंथ. गॉट इट? सो हमें क्या दिखाना है, मैं जो रिलेशन है एक्चुअली इंटरनल पाथ लेंथ और एक्सटर्नल पाथ लेंथ में ये है कि एक्सटर्नल पाथ लेंथ में
इज एक्चुअली इक्वल टू द इंटरनल पाथ लेंथ प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ नोड्स। तो अगर आप इंटरनल पाथ लेंथ में दो बार इंटरनल नोड्स की काउंट को जोड़ देंगे, ओके, इंटरनल नोड्स की काउंट को दो दोगुना करके इंटरनल पाथ लेंथ में जोड़ दोगे तो आपको एक्सटर्नल पाथ लेंथ मिल जाएगी। तो दिस इज़ अ रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स और टू पैरामीटर्स ऑफ एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। ओके, सो लेट्स प्रूव इट यूजिंग इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड आपने डिस्क्रीट में अपने पढ़ा होगा। तो इंडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले बेस केस डिफाइन करते हैं, शो करते हैं कि बेस केस है नहीं है। सो इंडक्शन का बेस हमें दिखाना होता है कि हम इंडक्शन मेथड लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो पहले इंडक्शन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बेस केस दिखा देंगे पहले। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। तो सबसे पहले आपको दिखाना है, बेसिस दिखाना पड़ेगा इंडक्शन के लिए कि यहाँ हम इंडक्शन लगा सकते हैं कि नहीं, बेसिस फॉर इंडक्शन। तो बेसिस फॉर इंडक्शन का मतलब ये होता है कि एन की एन सपोज नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो एन की स्मॉल वैल्यू के लिए, तो लेट्स अज्यूम ये जो स्टेटमेंट है पी एन है, एन के लिए ट्रू है ना, नंबर ऑफ नोड्स एन के लिए। तो जो भी बन गया हमारे लिए स्टेटमेंट जिसे हमें प्रूव करना है, या प्रीमाइस है इसे प्रूव करना है। तो इसे एन के लिए प्रीमाइस है कि ई इक्वल टू आई प्लस टू एन। तो पहले हमें दिखाना है कि ये जो स्टेटमेंट है एन की स्मॉल वैल्यू के लिए ट्रू है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप देखें पी एन, सॉरी 1 मिनट, पी एन इक्वल टू वन, मतलब एन की वन के वल एन इक्वल टू वन के लिए हम देखना चाहते हैं क्या स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो एन इक्वल टू वन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक ऐसा ट्री है जिसमें एक केवल एक ही इंटरनल नोड है। सो इंटरनल नोड एक ही है, इसका मतलब रूट होगा अकेले, क्योंकि ट्री में रूट होना जरूरी होता है। सो अगर रूट है एक तो आपके पास दो एक्सटर्नल नोड होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ इसी तरीके से आपको अपना जो अभी मैंने प्रीवियस स्टेटमेंट जो आपको होमवर्क के लिए दिया है उसी तरीके से इंडक्शन बेस आपको दिखाना पड़ेगा कि एन इक्वल टू वन के लिए आप देख सकते हो बेस केस कैसे दिखाओगे, वहाँ बेसिस ऑफ इंडक्शन उसे भी इंडक्शन मेथड से ही प्रूव करना है। और बेसिस आप कैसे दिखाएंगे, एन इक्वल टू वन के लिए आप देख सकते हैं कि इंटरनल नोड एक है और एक्सटर्नल नोड्स की काउंट एक ज़्यादा है ना। सो ये हो गया बेसिस बेस फॉर इंडक्शन। सो हमें तो अभी इसके लिए दिखाना है बेसिस फॉर इंडक्शन। सो हमारा जो स्टेटमेंट है हमें दिखाना है कि एन इक्वल टू वन के लिए ये ट्रू है नहीं है। तो पहले हम सारी वैल्यूज कंप्यूट कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल पाथ लेंथ इस ट्री के लिए कितनी होगी, कैपिटल ई, इस नोड की लेंथ है 1 और इस नोड की लेंथ है, सॉरी डेप्थ है 1। सो ई की वैल्यू आ गई 2। व्हाट अबाउट एन, एन की वैल्यू हमें मालूम है, हमने चूज की हुई है 1। एंड व्हाट अबाउट आई, इंटरनल पाथ लेंथ वो है 0। तो क्या देखें ये रिलेशन होल्ड हो रहा है कि नहीं। तो ई इक्वल टू आप देख सकते हैं 2 इक्वल टू 0 प्लस, ये हो गया आपका ई, ये हो गया आपका आई और 2 इंटू एन, एन सॉरी यहाँ एन नहीं लिखना है, यहाँ 1 लिखना है एन की वैल्यू, क्योंकि ये एन आपका यहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि ई इक्वल टू आई प्लस 2 एन, सो दैट मीन्स पी एन इज ट्रू। दिस इम्प्लाइज पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, इवन दैट मीन्स स्मॉल एन के लिए ट्रू है। ओके, सो दिस गिव्स अस बेसिस फॉर इंडक्शन। ठीक है, ओके। तो नाउ जब हम इंडक्शन प्रूफ मेथड को प्रूव करते हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंडक्शन हाइपोथेसिस मेक करना पड़ेगी। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस पर आ जाते हैं हम।
तो इंडक्शन हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये एन के लिए ट्रू है, स्टेटमेंट जो है पी 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 एन की वैल्यू के लिए ट्रू है, दैट मीन्स पी एन ट्रू है, एंड देन हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि ये पी एन प्लस वन भी ट्रू हो, मतलब ये जो प्रीमाइस है एन नोड के लिए ट्रू है, तो हम इसे एन प्लस वन नोड के लिए भी ट्रू दिखाएंगे। हमारा काम क्या है कि इंडक्शन हाइपोथेसिस में हमने मान लिया कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नंबर ऑफ नोड्स एन। नाउ वी वॉन्ट टू शो दैट कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर ए ट्री विद एन प्लस वन नोड्स, दैट मीन्स पी एन ट्रू है तो पी एन प्लस वन भी ट्रू है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो इंडक्शन हाइपोथेसिस हमारी हो गई, लेट पी एन इज करेक्ट, ये हमने मान लिया। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस में हम क्या करेंगे, अगर हम कई बार कभी कभी जब आप इंडक्शन से चीज़ें प्रूव करते हैं और आप जो लेके चल रहे हैं हाइपोथेसिस उसकी वजह से किसी रॉन्ग स्टेटमेंट पर आप पहुंच जाते हैं जो फैक्चुअली करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम कहते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस ही रॉन्ग है, दैट मीन्स ये नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट जो हमने माना है पी एन वो ट्रू नहीं है। तो अभी तो हमने मान लिया कि पी एन इज करेक्ट, तो हम पी एन को करेक्ट मान करके चलेंगे और इसके बेस पर दिखाएंगे कि पी एन प्लस वन इज ऑल्सो करेक्ट। सो पी एन इज करेक्ट, इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितने हो गए, दैट मीन्स हम ये एक स्टेटमेंट को मान रहे हैं कि ऐसा ट्री जिसमें एन इंटरनल नोड्स है उसके लिए ट्रू है, नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स एन है ना, पी एन से तो यही डिड्यूस होगा। तो अब अगर हम कहते हैं कि पी एन इज करेक्ट, जिसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज वी हैव ई इक्वल टू आई प्लस टू एन, आपको लिखना पड़ेगा वेयर, वैसे तो मेंशन है छोड़ दीजिए, नहीं लिखी है, एन नंबर ऑफ नोड्स हो गए आपके इंटरनल नंबर ऑफ नोड्स, सॉरी काउंट जो इंटरनल नोड्स की है, आई आपकी इंटरनल पाथ लेंथ एंड ई इज द एक्सटर्नल पाथ लेंथ, ये हमने मान लिया। नाउ वी नीड टू शो, तो अब हमें क्या दिखाना है, नाउ वी नीड टू शो दैट पी एन प्लस वन इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब ये जो हाइपोथेसिस है ये एन के लिए हमने मानी है, लेकिन हम अब कहेंगे कि ये हाइपोथेसिस हमें दिखाना है कि ये एन के लिए करेक्ट अगर है तो एन प्लस वन के लिए भी करेक्ट होगी। ओके, तो ये हमें दिखाना है, तो अब हम इसके लिए एक काम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं ट्री में, कि सपोज दैट हमारे पास एक ट्री है जिसमें एन इंटरनल नोड्स है और जो है क्या कहते हैं उसकी इंटरनल पाथ लेंथ ई है और एक्सटर्नल पाथ लेंथ आई है, सॉरी इंटरनल पाथ लेंथ आई है और एक्सटर्नल पाथ लेंथ ई है और नंबर ऑफ नोड्स एन है, तो एक ऐसा ट्री है हमारे पास। मैं एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अज्यूम कर सकते हैं कि वी हैव ए ट्री विद एन इंटरनल नोड्स, तो ओबियसली एक्सटर्नल नोड्स उसमें कितने होंगे, एन प्लस वन, एंड इंटरनल पाथ लेंथ उसके केस में ई है और एक्सटर्नल सॉरी आई है और एक्सटर्नल पाथ लेंथ ई है। तो अब हम इस ट्री में क्या करेंगे, जो हमने माना है एन नोड्स वाला, उस ट्री में अगर हम एक इंटरनल नोड को एक्सटर्नल नोड में बदल दें तो क्या होता है, लेट मी शो यू द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, एक एक ग्राफ से मैं दिखा देता हूँ। सपोज आपके पास एक ऐसा ट्री है जिसमें ये हो गए आपके सर्किल, आपके सब इंटरनल नोड्स हैं एंड तो एक्सटर्नल नोड्स कहाँ कहाँ होंगे, वन टू थ्री फोर ठीक है। नाउ ये हमने माना कि ये जो ट्री टी है
इसके लिए ये प्रीमाइज ट्रू है, दैट मीन्स इक्वल टू आई प्लस एन ट्रू है, क्योंकि इसमें एन ट्रू जो नोड्स हैं, इंटरनल नोड्स हैं, वो एन है। नाउ अगर हम इसी ट्री में क्या करें, किसी भी एक नोड को ऐसा करते हैं, मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज में जो मैं कर रहा हूँ। सपोज वी हैव ए ट्री विद एन इंटरनल नोड्स, ठीक है, एन इंटरनल नोड्स हैं। नाउ क्या करते हैं हम, लेट्स लेट्स कन्वर्ट एनी वन इंटरनल नोड सॉरी नहीं उल्टा करते हैं, लेट्स कन्वर्ट वन एनी वन एक्सटर्नल नोड, एक इंटरनल नोड बढ़ा देंगे हम, क्योंकि एन प्लस वन करना है ना हमें इंटरनल नोड्स। एन इसमें थे, इस ट्री में एन इंटरनल नोड से हमें एक बढ़ा देना है, तो हमें क्या करेंगे, कोई भी एक एक्सटर्नल नोड लेकर के उसे इंटरनल नोड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो लेट्स कन्वर्ट एनी वन एक्सटर्नल नोड्स, एक्सटर्नल नोड इनटू एन इंटरनल नोड। सपोज दैट हम ये काम कर लेते हैं, इसमें ये कंस्ट्रक्शन हम फॉलो करते हैं, तो अज्यूम कर लीजिए कोई भी एक इंटरनल नोड है, हमने उसे एक्सटर्नल में बदल दिया, एंड लेट्स सपोज वी कन्वर्ट दिस नोड इनटू इंटरनल नोड, ओके। और हमें ध्यान रखना है जो ट्री है हमारा टू ट्री रहना चाहिए, सॉरी एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री रहना चाहिए। तो लेट्स डू दिस, लेट मी चेंज द कलर सो आपको डिफरेंस क्लियर है, ओके। एंड ये इंटरनल नोड है, ये इंटरनल नोड है, एंड इसके दो एक्सटर्नल नोड्स हैं, ये तो मैं पार्ट अभी कॉपी कर रहा हूँ ट्री को, ये भी आपका एक्सटर्नल है, देन ये जो इंटरनल नोड है इसका जो ये वाला जो चाइल्ड था जो था, इसे मैंने इंटरनल नोड में बदल दिया, ठीक है, इस जगह पे आई जस्ट पुट स्टार हियर कि ये नोड है जो है मैंने इंटरनल में बदला है, और ये तो इंटरनल था ही, इसको एक्सटर्नल में ही रहने देंगे दोनों को। एंड जब हमने, अब आपको याद है कि अब ये एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री तभी होगा जब ये अगर इंटरनल नोड हो गया है, तो दो एक्सटर्नल नोड और ऐड करना पड़ेंगे आपको। तो अब ये जो ट्री बना, ये ट्री टी है और ये ट्री लेट से टी डैश हो गया, ठीक है। नाउ अब हम बात देखते हैं कि इनमें इंटरनल पाथ लेंथ और एक्सटर्नल पाथ लेंथ में क्या होता है, क्योंकि ये आर्गुमेंट आपको समझ लीजिए, इसको आपको लैंग्वेज में वर्डिंग में लिखना पड़ेगा, ओके। आपको जो ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इस ट्री के जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे आपको वर्डिंग में लिख करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं एवरीथिंग नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग हियर, बट आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना समझना है। सो नाउ जो अब मैं आगे बोलने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ इन टी डैश टी डैश जो ट्री होगा, टी के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको कंपेयर करके देखेंगे, तो टी डैश में क्या होगा, लेट्स अज्यूम ये जो इंटरनल नोड, जो एक्सटर्नल नोड है, इसे हमने डेप्थ डी पर जो था इसे बदला है, ठीक है। सो आप लिखेंगे जब लैंग्वेज में लिखेंगे, तो लेट्स कन्वर्ट एनी वन एक्सटर्नल नोड इनटू इंटरनल नोड और विच इज एट डेप्थ डी, डेप्थ डी, ओके। सो इसका मतलब ये जो नोड था इसकी डेप्थ क्या है, डी, मैं यहां लिख रहा हूं। सो यहां डी का मतलब क्या है, इस नोड की डेप्थ, ओके। तो अगर आप देखेंगे इस ट्री के कंपैरिजन में, अगर इसमें देखेंगे तो इसकी ट्री में, इसकी ट्री की लेट्स से इस ट्री की इंटरनल, ये तो हम लिख चुके हैं पहले, इंटरनल पाथ लेंथ आई है और इस ट्री की एक्सटर्नल पाथ लेंथ ई थी, एंड लेट्स अज्यूम इस ट्री की इंटरनल पाथ लेंथ आई डैश है और एक्सटर्नल पाथ लेंथ ई डैश है, ओके। मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको लिखना पड़ेगा इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके। तो अब चूंकि मैंने क्या किया, इसमें एक इंटरनल एक्सटर्नल नोड जो कि डी डेप्थ पर था उसे इंटरनल में बदल दिया,
तो इसके इंटरनल नोड में एक तो काउंट बढ़ गई, इंटरनल नोड जो थे उनकी काउंट बढ़ गई है ना, और एक्सटर्नल नोड की काउंट दो कितनी बढ़ेगी, एक से ही बढ़ेगी, क्योंकि एक एक्सटर्नल जो नोड था वो इंटरनल में चला गया, तो इफेक्ट अल्टीमेटली वैसे तो दो नोड बढ़े थे आपको देखने में यहाँ, लेकिन एक इंटरनल नोड एक्सटर्नल को हमने इंटरनल में बदल दिया, तो इफेक्टिवली इंटरनल नोड जो नोड है वो भी एक से बढ़ा और एक्सटर्नल नोड की काउंट है वो भी एक से ही बढ़ी है, ठीक है। लेकिन डेप्थ में कितना डिफरेंस आया, जो इंटरनल पाथ लेंथ है और एक्सटर्नल पाथ लेंथ है, तो अगर आप इसमें देखेंगे आई डैश जो है इंटरनल पाथ लेंथ इस केस में क्या होगा, आई प्लस डी, क्यों होगा, क्योंकि इस ट्री के कंपैरिजन में, टी के कंपैरिजन में इसमें एक इंटरनल नोड बढ़ गया है डी डेप्थ पर। देखिए ये इंटरनल नोड 1 2 3 4 5 ये सब इसमें एज इट इज प्रेजेंट हैं और उनकी डेप्थ वही की वही है ना, लेकिन डिफरेंस कहाँ आया इस नोड में, तो ये नोड एडिशनली ऐड हो गया है और इसकी डेप्थ हमने मानी है ये डी है, तो इंटरनल पाथ लेंथ में कितने का इंक्रीमेंट हो गया डी का। फॉर टी डैश इंटरनल पाथ लेंथ कितनी हो गई, जिसे हम आई डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई डैश हो गया आई प्लस डी, ठीक है, जो भी स्ट्री की पाथ लेंथ थी उससे डी ज्यादा स्ट्री की इंटरनल पाथ लेंथ हो जाएगी। यू कैन कॉल इट इक्वेशन नंबर 1 और समथिंग वट एवर यू लाइक। एंड नाउ व्हाट अबाउट द एक्सटर्नल पाथ लेंथ, सो लेट्स से एक्सटर्नल पाथ लेंथ ई डैश था, ई डैश है टी डैश का, तो इसमें क्या चेंज आया है नाउ, अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्री है इसमें दो नोड D+1 डेप्थ पर जुड़े हैं, है ना, ये नोड इसकी पार डेप्थ कितनी होगी D+1, क्योंकि इस नोड की D है तो एक एज ज़्यादा है इसमें, तो इसमें भी इसकी भी लेंथ D+1 और इसकी भी पार डेप्थ जो है D+1, लेंथ नहीं डी डेप्थ सॉरी, सो डेप्थ यहाँ भी इस नोड की D+1, इस नोड की भी डेप्थ D+1, तो एक्सटर्नल पाथ लेंथ में 2D+1 का तो बड़ा इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन एक पाथ एक नोड यहाँ से चला गया हमारा तो डी का सब्ट्रैक्शन हो गया, यस, तो ओरिजिनल पाथ लेंथ अगर ई थी इस ट्री की, ये वाले ट्री की, तो ई में क्या क्या चेंज आए, पहले तो 2D+1 लेंथ के नया नोड ऐड हो गए, सो एक्सटर्नल पाथ लेंथ में 2D+1 का इंक्रीमेंट हो गया, 2 × D+1, क्योंकि D+1 एंड D+1 हो गया 2D+1, एंड सब्ट्रैक्शन कितने का हो गया, कितनी पाथ लेंथ है इसकी, डेप्थ कितनी है इस नोड की डी, तो डी का सब्ट्रैक्शन हो गया, है ना, तो ये आ गई ई डैश की वैल्यू। नाउ कंप्यूट कर लीजिए ई डैश को, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो ई डैश इक्वल टू ई प्लस 2D+2 - D, फर्दर सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना आ गया E, एक डी बचा है ना, ई प्लस डी प्लस टू, ठीक है। अब हम अगर E की वैल्यू यहां पुट करें, E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू क्या है, पी एन से देखिए इक्वेशन से, E इक्वल टू आई प्लस टू एन, तो यहां लिख देते हैं हम आई प्लस 2n, ये तो थी e की वैल्यू, प्लस d प्लस 2, सिंप्लीफाई करिए, सो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई प्लस d, प्लस 2n, और ये 2 है तो 2 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 2n+1, ठीक है। नाउ आई प्लस डी आपका क्या है, आई डैश, आई डैश मतलब इंटरनल पाथ लेंथ, और हमने माना इंटरनल पाथ लेंथ कौन की, इस नोड की, सो ये आई डैश हो गया ये प्लस 2n+1, तो आपने दिखा दिया कि ई डैश जो कि इसकी पाथ लेंथ है वो क्या है, ई डैश इक्वल टू आई डैश प्लस 2n+1, और आपको मालूम है n+1 क्या है, इस ट्री में नंबर ऑफ नोड्स, मतलब
हमने ये दिखा दिया। सो ये स्टेटमेंट एक्चुअली क्या है, पी एन प्लस वन, सॉरी स्मॉल एन बना रहे थे हम, पी एन प्लस वन, ठीक है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये एन प्लस वन के लिए भी ट्रू है। अगेन ये किस स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर नोड एन प्लस वन है तब भी इंटरनल पाथ लेंथ जो है, सॉरी एक्सटर्नल पाथ लेंथ, इंटरनल पाथ लेंथ की मैं इंटरनल पाथ लेंथ में दोगुने ऐड कर देना है नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स का, तो आपको एक्सटर्नल पाथ लेंथ मिल जाएगी। सो सेम कनेक्शन आ गया वही वाला, एन प्लस वन क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स हैं, ये पूरा का पूरा नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डैस इक्वल टू आई डैस प्लस टू और सॉरी एम, वेयर एम इज द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स, ठीक है। ये मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप यहाँ से समझ गए होंगे नंबर ऑफ, फिर भी एक सिंप्लीफाई करने के लिए इंटरनल नोड्स। दैट मीन्स ये जो स्ट्रिप फैक्ट था हमने लिया था जो, ये एन प्लस वन के लिए भी ट्रू है। सो दैट मीन्स पी एन प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू इज ट्रू इफ पी एन इज ट्रू। ठीक है, तो अब हमने देखिए इसमें क्या कर दिया, इंडक्शन हाइपोथेसिस दिखा दी, इंडक्शन सॉरी इंडक्शन बेसिस दिखा दी अब इंडक्शन के लिए, देन इंडक्शन हाइपोथेसिस हमने मानी और हाइपोथेसिस को ट्रू मान करके हमने दिखा दिया कि पी एन प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। अगर एन के लिए स्टेटमेंट ट्रू है तो एन प्लस वन के लिए भी ट्रू है। तो इंडक्शन मेथड्स के लिए, मेथड्स के अकॉर्डिंग नाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नोड्स, एनी काइंड, एनी नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स, है ना। सो बाय द इंडक्शन मेथड, जब हमने ये दिखा दिया तो इंडक्शन मेथड ने हमें अब ये कहने का राइट दे दिया, इंडक्शन मेथड ई इक्वल टू आई प्लस टू एन, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अब किसी भी एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री के लिए ट्रू है, चाहे उसमें इंटरनल नोड्स कितने भी हों। सो ये हो गया हमारा प्रूफ कंप्लीट, सॉरी प्रूफ्ड लिखेंगे, एक ओ आएगा पी आर ओ वी डी, ठीक है। किसी को कोई डाउट कहीं भी है? नो, ओके। तो ये तो था पाथ लेंथ, अब हमारे पास टाइम तो ज़्यादा नहीं है, हम नया टॉपिक तो नहीं शुरू कर सकते, सो आई विल लीव नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रूव करेंगे कि इन ए बी एस टी वी रिक्वायर लॉग एन कंपेरिजन्स बिगो लॉग ऑफ एन कंपैरिजन ऑन एवरेज, दैट मीन्स हमें एवरेज कैश टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑन एवरेज टू फाइंड ए नोड विद की के, ठीक है। ये हम क्यों दिखाना चाहते हैं, आपको मालूम है कि एक्चुअली इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री में एवरेज केस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है सर्च एल्गोरिदम की, सर्च करने की, वो लॉग एन है। आपको याद है कि अगर बी एस टी तो बी एस टी की जो सर्चिंग है, मैं हम लोगों ने ऐसे ही जनरली डिस्कशन में भी बोला था कि
बाइनरी सर्च ट्री में आपको सर्च अगर करना है तो लॉग एन नंबर ऑफ कंपेरिजन्स आपको मेक करना पड़ते हैं। दैट मीन्स सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग एन है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप जो ट्री बना रहे हैं उस समय जो की इंसर्ट कर रहे हैं बनाते समय एक एक करके जब आप ऐड कर रहे हैं और वो जो की जिस ऑर्डर में आ रही है वो सॉर्टेड ऑर्डर अगर है तो आपका ट्री जो ना स्क्यूड हो जाता है, और स्क्यूड जब हो जाएगा तो वो लिंक लिस्ट की तरह से बिहेव करने लग जाता है और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर हो जाती है, क्योंकि लिंक लिस्ट में लीनियर टाइम में आप सर्च करते हो। तो लीनियर टाइम जो है ना फिर भी स्लो है, क्योंकि लॉगरिथमिक टाइम हम चाहते हैं। आपको याद है कि सबसे जो सर्चिंग फास्ट होती है लीनियर सर्च लॉग एन टाइम लेती है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेती है, और बाइनरी सर्च आपने पढ़ी ही होगी जो जिसके लिए डेटा सॉर्टेड रिक्वायर्ड होता है। तो बाइनरी सर्च में तो आप लॉगरिथमिक टाइम में सर्च कर सकते हो, दैट मीन्स दिस इज द फास्टेस्ट सर्च, इससे फास्ट सर्च नहीं है आपके पास। ठीक है, एक तो हैश है, हैश टेबल में भी आप सर्च कर सकते हो, वो कांस्टेंट टाइम में सर्च आपको देता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि सर्च टाइम जो इतना भी है डेटा स्ट्रक्चर में जो सर्च कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन को जितना पॉसिबल हो एफिशियंट बनाना जरूरी है। क्यों ऐसा करना चाहते हैं हम? क्योंकि सर्च ऑपरेशन इज द बेसिस ऑफ मेनी ऑपरेशंस। कई बार एज ए प्रीलिम स्टेप की तरह से हम सर्च को परफॉर्म करते हैं। जैसे आपने याद होगा इंसर्शन, इंसर्शन जब कर रहे थे तो हमें सर्च करना पड़ रहा था पहले, तब हम इंसर्शन करते हैं। सिमिलरली डिलीशन अगर आपको करना है बीएसटी में तो पहले आपको नोड को सर्च करना पड़ेगा, तब आप डिलीशन करेंगे। सो दैट मीन्स ये जो ऑपरेशन है इंसर्शन डिलीशन या अपडेशन, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करती है। तो अगर आप सर्च ऑपरेशन में जो टाइम लगने वाला है उसे मिनिमाइज कर देंगे, ऑप्टिमाइज कर देंगे, तो आपके बाकी के ऑपरेशंस के टाइम भी ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर मेन गोल है कि हम सर्च के टाइम को मिनिमाइज करें। लेकिन अगर आपको याद होगा कि बीएसटी में प्रॉब्लम क्या है कि अगर अगर इसकी हाइट, मतलब एक लगभग बैलेंस ट्री बनता है, बैलेंस ट्री के हम बाद में कभी बात करेंगे, तो बैलेंस का मतलब है कि नोड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इसकी हाइट सफिशियंटली लार्ज रहती है। अगर ये कहिए कि इसकी हाइट लॉगरिथमिक रहे, अगर ट्री की हाइट लॉगरिथम में रहती है तो आपको एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करना पड़ता है। तो नोड की अगर किसी की डेप्थ, एवरेज डेप्थ ऑफ द नोड्स लगभग जो है लीप्स की वो लॉग एन है, तो आपको लॉग एन टाइम में सर्चिंग हो जाती है। लेकिन अगर वही केस जैसे मैंने बताया कि अगर ट्री स्क्यूड हो गया तो लीनियर टाइम लग जाता है। तो हम जानना चाहते हैं कि बीएसटी में जो एवरेज सर्च का जो टाइम है वो लॉगरिथमिक है या नहीं है। ठीक है, तो ऑन एवरेज जो एवरेज टाइम निकालेंगे बीएसटी का वो लॉग एन है। बेस्ट केस टाइम और कांस्टेंट टाइम है, आपको रूट पर ही नोड मिल जाता है। एवरेज केस टाइम लॉग एन है और वर्स्ट केस टाइम होगा एन। ठीक है, तो हम इस टाइम को मिनिमाइज करना चाहते हैं सर्च के टाइम को। तो आपने देखा कि पहले सर्च जो आपकी लीन एरे में जो सर्च लगती थी वो क्या थी? लीनियर। जो एरे में आप सर्च कर रहे हैं तो वो लीनियर टाइम में सर्च होती थी। लेकिन यही सर्च आप अगर एरे को सॉर्ट करके रखते हैं, सॉर्ट करके एलिमेंट्स को रखते हैं, तो आपको बाइनरी सर्च आप परफॉर्म करके कर सकते हैं और लॉग एन टाइम में सर्च हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन एरे में को सॉर्ट करके रखना उसका भी एक अपना ओवरहेड है। अगर मान लीजिए कि ऐसा इस डेटा ऐसी आपको एक टेलीफोन की डायरेक्टरी मेंटेन करनी है सो दैट आप, और उसमें आपको बार बार सर्च करना पड़ता है मान लीजिए कोई फ़ोन नंबर, तो आप क्या करेंगे सर्च को ईजी बनाना है तो आपने क्या किया कि फ़ोन नंबर को सॉर्ट कर लिया न्यूमेरिकल ऑर्डर में। जब आप फ़ोन नंबर सॉर्ट कर लेंगे तो आपका सर्च का काम आसान हो जाएगा। कोई भी फ़ोन नंबर आपको लोकेट करना हो बहुत ईजीली फास्ट तरीके से आप उस नंबर को मतलब सर्च करके रिट्रीव कर लेंगे। लेकिन हम अज्यूम करिए कि टेलीफोन की डायरेक्टरी जिसमें हालांकि फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन उसमें मान लीजिए कि फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन होता है, बार बार मॉडिफिकेशन होता है, तो जब आपके फ़ोन नंबर्स में चेंजेस होंगे, नंबर बदलेंगे या उसमें अपडेशन हो रहा है, जो लिस्ट है आपकी फ़ोन्स की नए नंबर ऐड हो रहे हैं, कुछ घटाए जा रहे हैं, तो आपको बार बार सॉर्टिंग करना पड़ेगी, है ना, या आपको उसे सॉर्टेड मेंटेन रखना पड़ेगा। तो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को खास करके एरे को सॉर्टेड मेंटेन रखने का एक अपना ओवरहेड है, क्योंकि आपको मालूम है सॉर्टिंग में एन लॉग एन टाइम लगता है। ओके, तो इस वजह से एरे जो है डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर के तौर पर इनएफिशियंट हो जाता है, और हम चाहते हैं कि सर्च ऑपरेशन सबसे कम हो, सबसे कम टाइम ले। तो दूसरा रास्ता हमारे पास है कि हम डेटा को एरे में ऑर्गेनाइज ना करके, एक्चुअली हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं,
तो एरे में ना ऑर्गेनाइज करके हम डेटा को ट्री के फॉर्म में, बाइनरी ट्री के फॉर्म में खास करके, और हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि बाइनरी ट्री ना के जगह पे हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बना के रखें। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री की हाइट जो ना लॉग एन होती है, और कंप्लीट बाइनरी ट्री ट्री अगर होगा तो दैट इज अ बैल काइंड ऑफ बैलेंस ट्री, और उसकी हाइट अगर बैलेंस्ड रहेगी तो उसमें लॉग एन टाइम में हम सर्च कर पाएंगे। आगे देखेंगे हम, जैसे इसके बाद हम आगे के कुछ टॉपिक्स में जाएंगे, अभी हम बैलेंसिंग भी पढ़ेंगे, ट्री के बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट, तो उसमें भी हमारा मोटिव होगा कि हम ट्री को बैलेंस बनाएं सो दैट हमारा सर्च फास्ट हो जाए। इसके बाद एक और डेटा स्ट्रक्चर आता है, आपने नाम सुना होगा, हैशिंग या हैश टेबल, जिसमें हम कॉन्स्टेंट टाइम में सर्च कर सकते हैं। ओके, तो सबके अपने अपने ट्रेड ऑफ होते हैं, हमारा मेन मोटिव ये डेटा स्ट्रक्चर्स ये पढ़ने का क्या है कि हम सर्च टाइम सबसे कम रखना चाहते हैं, सबसे कम करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ये प्रूव करेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री में ऑन एवरेज जो सर्च टाइम है या एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर्च की है वो लॉग एन है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी एन स्क्वायर है, सॉरी एन स्क्वायर नहीं, एन है, ऑर्डर ऑफ एन है, बिग ओ एन, और बेस्ट केस तो आप जानते हैं कॉन्स्टेंट टाइम है। सो नेक्स्ट क्लास में हम ये प्रूव करेंगे कि ये वर्स्ट केस टाइम, एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन है या नहीं है। और एक कॉन्सेप्ट और आता है, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री एक अलग से डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए समझना उसको। हम लोग क्लास में उसको कभी यहाँ नहीं कवर करेंगे। तो ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री में हमारा काम, ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम ट्री की हाइट को कम से कम करके रखें। तो ट्री की हाइट कम से कम करने का मतलब हम ट्री को बैलेंस अगर रखेंगे तो हमारा सर्च टाइम कम रहेगा। तो ऑप्टिमल जब हम बाइनरी सर्च ट्री बना लेंगे तो उसमें सर्च सबसे तेज होगी। तो ऑप्टिमल सब बाइनरी सर्च बनाने के लिए एल्गोरिदम है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये स्टेटमेंट जो है प्रूव करेंगे, और कुछ और कॉन्सेप्ट होंगे आगे तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज मैं यहीं क्लोज करता हूँ।